नेक्स्ट जो कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ फोर्सेस, या जिसे हम बोलते हैं द विलो। ये एक काफी बड़ा और सुंदर सा पेड़ है जो समर सन में खड़ा है, और ये पेड़ अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अगर ये कार्ड अपराइट आता है तो ये बताता है कि इंसान ग्राउंडेड है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़ा है, जो उसकी नींव है वो बहुत गहरी है। तो अब टाइम कैसा है कि वो अपराइट खड़े होके अपने नीचे की धरती को सपोर्ट कर सके। ये कार्ड बताता है कि जो समय है इस समय वो शांति बनाए रखने का है, एंजॉयमेंट का समय है, पीसफुल एनर्जीज है आसपास आपके लिए और आपके परिवार के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपसे कनेक्ट करेंगे या वो आपकी स्ट्रेंथ की तरफ खींचे चले आएंगे। तो आप कॉन्फिडेंटली खड़े रहे, अपने ट्रूथ और एक्शंस को सपोर्ट करें, और आगे आने वाला समय काफी पावरफुल है आपके लिए। अब अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाए तो रिवर्स कार्ड क्या इंडिकेट करता है कि बदलाव आ रहा है, कोई ऐसी हवा चल रही है जो बदलाव ला रही है। ज्यादा आप लड़ नहीं सकते वरना आप अप्रूट हो जाएंगे, आपकी जड़ें हिल जाएंगी। हो सकता है ये समय थोड़ा सा टफ हो, तो इस समय अगर थोड़ा सा झुक कर खड़े रहेंगे तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप झुक नहीं पाए तो हो सकता है टूट जाएंगे। अपनी जड़ों पे विश्वास रखें और झुक कर खड़े रहे, ये टेम्प्ररी फेज है, गुजर जाएगा। और वैसे इन्होंने बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, मतलब नो डाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स के कुछ कुछ कार्ड्स तो बहुत ही सुंदर बनाए हैं इन्होंने।